कुल्लू के ऐतिहासिक मैदान ढालपुर में रविवार को फोरलेन से प्रभावित और विस्थापित लोग एकत्रित हुए। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को ढालपुर मैदान बुलाया था, लेकिन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के अलावा अन्य किसी भी दल के नेताओं ने शिरकत नहीं की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को समस्याओं के जल्द निवारण का आश्वासन दिया। कुल्लू में फोरलेन प्रभावित विस्थापित समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर परिवहन वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अगुवाई में प्रभावितों ने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि उनकी मांगों को नजरअंदाज न किया जाए। समिति ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में TCP की तानाशाही खत्म करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह ठाकुर ने कहा कि फोरलेन सड़कों के निर्माण में 2003 के भू अधिग्रहण कानून के प्रावधानों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। प्रभावितों को इस कानून के तहत मुआवजा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब समिति के पास आर पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग रही है तो उसमें सीधे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो कुछ भी इसमें प्रगति हुई है उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। और ये फोरलेन संघर्ष समिति से जुड़े सभी लोगों को से उन्होंने आह्वान भी किया कि वो चुनाव के बाद आएँ, इकट्ठे होकर आएँ या अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजें और सरकार के ऊपर अधिकारियों के ऊपर इस दबाव बनाए और वार्ता का दौर न छोड़े। और जो प्रगति का उन्होंने जो जानकारी दी कि भाई इस बारे में जो हमारी बातों को बहुत आगे तक पहुंचाया गया है, लेकिन इस वक्त इसके बारे में कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर रहते हुए इस वक्त ज्यादा नहीं बोला जा सकता। इस मौके पर वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इनकी लड़ाई पिछले 5 सालों से जारी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विजन डॉक्यूमेंट में इनकी मांगे हिस्सा रही है। 13 सूत्रीय मांग पत्रों पर जो मुद्दे कानून के दायरे से सही है उन पर काम करना शुरू किया गया, लेकिन आचार संहिता के कारण उनके बारे में कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता हटते ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। जो लंबे अरसे से लगभग 5 साल से जो यहाँ पर यानी कि जो समस्या आ रही है, एक 13 सूत्रीय मांग पत्र जिस पर डिस्कशन ऑलरेडी अक्टूबर 2018 में हो चुकी है, फरवरी 2019 में हो चुकी है, अब उन सब बातों पर डिस्कशन हुआ है। और ये कि हमने कहा कि भाई जो फोर लेन संघर्ष समिति के द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं और जो बिल्कुल कानून के आधार पर है, उस पर उनके पक्ष में कहीं ना कहीं सरकार निर्णय करेगी। और उसके बाद ये कि उनके पहले भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट भी रहा है जब विधानसभा इलेक्शन हो रहे थे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।